हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईशान। तो गाइस, मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे। मैंने एक वीडियो डाली थी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, और उसमें कमेंट आया कि जी हमें बताइए कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव कब होती है और उसे कैसे निकालते हैं। तो आज ये वीडियो उसी के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेजेबल लाता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था वैलेंसी ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए। तो जैसे हम वैलेंसी निकालते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो उसका फॉर्मूला होता है बोहर एटॉमिक मॉडल में भी आपने देखा होगा, 2 8, फिर इस तरीके से 8, फिर 18, फिर इस तरीके से वो बढ़ते रहते हैं। 2n² फॉर्मूला दिया था बोहर एटॉमिक मॉडल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे किसी की वैलेंसी निकाली, सपोज़ करिए हीलियम की है, जैसे हीलियम की तो 0 हो जाएगी वैलेंसी। सपोज़ करिए हमने ऑक्सीजन की वैलेंसी निकाली, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता ही है जी, हमारा होता है 8, और 8 को मैं 2 8 8 18 में आउटर मोस्ट शेल में कितना आते हैं, सॉरी इनर मोस्ट में कितना आते हैं, 2, ठीक है। और 8 में से 2 माइनस है, अब कितने बचे 6 हैं। तो जी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो गया ये। तो ये देखिए कि हमें इसमें जो वैलेंसी निकालनी पड़ती है, मैंने आपको बताया था कि अगर 4 हैं या 4 से कम है इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज रहने देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है 4 से तो वहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, 8 में से। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8, तो 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे गाइस। तो जब भी हम 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो वैलेंसी निगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो ओ की जो वैलेंसी होगी यहाँ पर, वो वैलेंसी होगी ओ की जो निगेटिव, ठीक है। और इसको निगेट -2 भी आपने देखा होगा वैलेंसी कहीं कहीं लिखे हुए, तो ओ की जो वैलेंसी होगी वो निगेटिव होगी, ठीक है। और जैसे मैं आपको बताऊं, मैं सोडियम की ले लेते हैं, Na की, Na का 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में 8 होता है इस तरीके से, 2 8 10 हो गया, एक बचा 1 आ गया। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 है और हमें 8 में से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, तो वैलेंसी होती है पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी होती है +1, ये वाला 1 +1। अगर 4 से कम है, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू आएगा, अगर 4 है या 4 से कम है तो यहाँ पर तो होगा हमारा प्लस पॉजिटिव, अगर 4 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हमारा निगेटिव होगी वैलेंसी, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर 4 से जी हमारा कम है या 4 है तो प्लस हो जाए। जैसे मैं कार्बन की बात करूं जी, तो कार्बन का होता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक 6 एटॉमिक नंबर, 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो गया, तो भैया 4 है, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, वैलेंसी कितनी होगी 4, ठीक है। कार्बन का थोड़ा केस अलग है, कार्बन की वैलेंसी हम प्लस भी ले लेते हैं, कहीं कहीं निगेटिव भी लेते हैं, ठीक है। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कार्बन एक वर्सेटाइल है नेचर में, मतलब कार्बन क्या है, ना तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ना तो ये 4 देता ना लेता, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना, इस वजह से इसकी वैलेंसी ना +4 हो सकती है ना -4। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को, 1K लाइक पहुँचाएँ वीडियो को, और कमेंट बताएं तो मैं ज़रूर डालूंगा कार्बन के बारे में कि ऐसा क्यों है कि ये 4 इसकी ना निगेटिव रहती ना पॉजिटिव, और एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो सारी बात थी वीडियो में। तो भैया अगर हम माइनस कर रहे हैं 8 में से तो क्या होगा, निगेटिव, और अगर हम माइनस नहीं कर रहे तो वैलेंसी एज इट इज़ पॉजिटिव। एल्यूमिनियम की देख लेते हैं, एल्यूमिनियम की देख लो, चलो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करते हैं, 2 8, और यहाँ पर हो जाएगा 3, 13 इसका एटॉमिक नंबर, 2 8 3, तो +3 हो गया इसका, ख़त्म बात वैलेंसी। और किसका देखें, और किसका देखें, चलो उसका देख लेते हैं, लिथियम का देख लेते हैं, लिथियम का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है, 2 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगी +1 वैलेंसी, ठीक है ना। और इस तरीके से वैलेंसी हम निकाल सकते हैं। सोडियम के हो गया, मैग्नीशियम की देख लेते हैं, चलिए मैग्नीशियम का कितना होता है, 12, 2,8,2, तो +2 हो जाएगा इसका। इस तरीके से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं, और वैलेंसी के साथ साथ कि प्लस हो गया नेगेटिव होगी। तो गाइज, अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फैला दो। तो चलिए अब आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।